नमस्कार। तो काफी दिनों से मैं एक चीज देख रहा हूँ, ट्विटर जिसे हम एक्स कहते हैं। एक्स पे आप ट्रेंडिंग में हैशटैग देखोगे तो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन इस टाइप का एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। जिसके बाद भाई इसके तहत अब मैं आपको एक्चुअली में मामला बताता हूँ। तो यूपी पुलिस की इस समय भर्ती निकली है 60,244 पदों पर, ये भर्ती निकली है 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। जिसके बाद भाई जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनका मेनली कहना है कि जो एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि मेनली मैंने जो काफी लोगों के इंटरव्यू देखे तो उसमें पता चला मीडिया में, जब उन्होंने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए, बातचीत न्यूज चैनल्स को बताया, तो मेनली उन्होंने ये कहा कि जब पिछली बार 2018 में यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी तब उनकी एज 17.5 साल थी। जनरल कैटेगरी के लोगों ने कहा मेनली कि जब 2018 में निकली थी भर्ती तब उनकी 17.5 साल थी और अब 5 साल बाद भर्ती निकली है। और यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 22 साल उम्र है, मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए, 18 से 22 के बीच। अब उन्होंने कहा कि जब 2018 में लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी तब हमारी एज 17.5 साल थी और अब जब ये वैकेंसी 2023 में निकली है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब उनकी एज बढ़ करके होगी 22.5 साल, यानी कि 22.5 साल या फिर उससे ऊपर हो गई है। यानी कि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी 2018 में तब उनकी एज अंडर एज थे, मतलब 17.5 साल थी, 18 साल पूरी नहीं हुई थी। और अब की बार जब ये भर्ती रिलीज हुई है अब उनकी एज बढ़ करके 22 साल है, 22 साल जो जनरल कैटेगरी को दी गई है 22.5 साल हो गई है। तो मेनली जो यूपी पुलिस के लिए जनरल कैटेगरी के लोग हैं वे एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। कई सारे आर्टिकल जो है इस समय इस तरीके के वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई ये एप्लीकेशन है एक जो ये भी वायरल हो रही है, इस तरह की काफी एप्लीकेशन जो लोग खुद से लिख रहे हैं, सीएम योगी जी के लिए लिख रहे हैं कि कुछ एज रिलैक्सेशन पर करिए, इस तरीके से भाई कह रहे हैं और कुछ साल भी मैं बढ़ाने को कह रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बताता कितने साल कह रहे हैं। हालांकि इस बार में आप क्या कहना चाहेंगे अपने हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।